मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, साउंड ऑफ वोवेल ए। अभी तक हमने जो साउंड ए में कौन कौन से ध्वनियाँ पढ़ी, जैसे कि एक, एट, एम और एन। अब जो हमारा जो ये चैप्टर है, लास्ट है, फाइनल लेक्चर एक तरीके से है हमारा ये है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे लास्ट में? ऑल, ALL, ऑल। मतलब जिस भी स्पेलिंग में हम ALL ऑल, तो उसको पढ़ेंगे ऑल, ठीक है? ALL ऑल, इसका साउंड आएगा ऑल का। जैसे आप इसको, मैं स्पेलिंग सिखवा देती हूँ और उनकी मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ। जैसे आपको स्पेलिंग दी गई है ALL बॉल, ओके, बॉल। तो देखिए ऑल आ रहा है ना साउंड, ऑल, बॉल। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, कॉल, CALL, कॉल, क्या होगा? कॉल। FALL, फॉल, FALL, फॉल। HALL, हॉल, क्या है? हॉल, HALL, हॉल। फिर है TALL, टॉल, TALL, टॉल। सब में लास्ट में क्या आ रहा है? ऑल, बॉल, कॉल, फॉल, हॉल, टॉल। तो सब में लास्ट में क्या आ रहा है? ALL, ऑल, ओके। नेक्स्ट स्पेलिंग है WALL, वॉल, WALL, वॉल। फिर है SMALL, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। STALL, स्टॉल, STALL, स्टॉल। उनका हिंदी अर्थ देखिए, बॉल, बॉल मीन्स जानते हैं जो गेम खेलने की बॉल आती है वो। कॉल, कॉल मीन्स जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो वो। कॉल मीन्स एक होता है बुलाना, ठीक है? कॉल मीन्स क्या होता है? बुलाना। फॉल, फिर है हॉल। हॉल मीन्स एक बड़ी जगह, जैसे खाली आपके, आपने देखी होगी असेंबली में एक हॉल होता है, असेंबली हॉल बोलते हैं उसे, जो काफ़ी जगह खाली होती है उसे बोलते हैं हॉल। टॉल, टॉल मीन्स लंबा। वॉल, वॉल मीन्स दीवार। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। स्टॉल, स्टॉल मीन्स एक छोटी दुकान हम कह सकते हैं, स्टॉल लगते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में स्टॉल्स लगाई जाती है, आपने देखा होगा गेम वगैरह होते हैं, स्टॉल लगाई जाती है छोटी छोटी चीज़ों की, फिर आप उनसे सेल करते हैं स्टॉल, ठीक है? और जैसे कि जैसे बिग बाज़ार होते हैं, मॉल होते हैं, उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? स्टॉल्स होते हैं। बड़ी बड़ी शॉप नहीं होती, छोटे छोटे शॉप होते हैं। जैसे कि आप मेले वगैरह में देखते हो तो वहाँ क्या लगती हैं? स्टॉल लगती है, तो वो होती है स्टॉल, एक छोटी दुकान, ठीक है? अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखिए। तो इन सारे वर्ड्स में जितनी भी मीनिंग्स हैं उनमें किसका साउंड आ रहा है? ऑल का। इसमें अब दिया गया है अ स्मॉल स्टॉल, अ स्मॉल स्टॉल। फिर दिया गया है इन अ बिग हॉल, इन अ बिग हॉल। बोला गया है अ स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, एक, अ मीन्स एक, स्मॉल। देखिए अलग से सिंगल ए आ रहा है तो क्या आ रहा है? अ, अ स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा स्टोर, एक छोटी सी दुकान, सॉरी, इन अ बिग हॉल। बिग मीन्स बड़ा, हॉल मीन्स खाली जगह जो होती है, एक बड़ा कमरा बोल सकते हो, बहुत बड़ा। तो एक बिग हॉल में, एक बड़े हॉल में क्या है? एक छोटी सी स्टॉल है। फिर आपको दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ, अ टॉल लैड, अ टॉल
led on the wall. A tall lad on the wall. He has a small ball. देखिए यहाँ पे all कौन कौन से स्पेलिंग में आ रहा है, small, stall, hall, tall, wall, small, ball. सॉरी अब देखिए पढ़ें मेरे साथ स्पीक कीजिएगा, बोलिए अ स्मॉल स्टॉल, एक छोटी दुकान, इन अ बिग हॉल, एक छोटी दुकान कहाँ, एक बड़े से हॉल में. देखिए आपको पिक भी दी गई है, एक हॉल है उसमें एक छोटी सी क्या है, स्टॉल है यानी छोटी सी दुकान है. सॉरी अ स्टॉल, सॉरी अ टॉल, टॉल मीन्स लंबा, लैड, लैड मीन्स होता है लड़का, ओके, लैड ऑन, ऑन का मतलब ऊपर की तरफ, अ टॉल लैड ऑन, लैड मीन्स लड़का, द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, एक लंबा लड़का कहाँ खड़ा है, वॉल, वॉल यानी दीवार का, दीवार के ऊपर, ठीक है, ऑन मीन्स ऊपर, अ टॉल लैड ऑन द वॉल, एक लंबा लड़का दीवार के ऊपर खड़ा है. फिर लिखा हुआ है ही हैज़ अ स्मॉल बॉल, ही हैज़ अ स्मॉल बॉल, उसके पास क्या है, स्मॉल मीन्स छोटी, बॉल क्या है, छोटी बॉल है. तो फिर से एक बार रीड करेंगे सिर्फ इंग्लिश में, ओके, अ स्मॉल स्टॉल इन अ बिग हॉल, अ टॉल लैड ऑन द वॉल, ही has a small ball. He has a small ball. Okay? ये हमने पढ़ा. अब आपको नीचे reading skill दी गई, यानी पढ़ने के लिए sentence दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है. आपके पास लिखा हुआ है wake up, it is 6. इसमें क्या है, हमने एक एट जितने भी पढ़े हैं सभी यूज में लिए जाएंगे. वेक अप, इट इज 6. गो बाय द लेक, गो बाय द लेक, देखिए एक आ गया ना, लेक. नाउ Stand in the sand. हम sand यहाँ लिख देते हैं. फिर लिखा हुआ है the sun is up today. The sun is up today. ओके अब हम इसे रीड कर, मैं आपको रीड करवा रही हूँ आराम से, आप रीड कीजिएगा यानी पढ़िएगा. पढ़िए वेक अप, उठ जाओ, इट इज 6, 6 बज चुके हैं यानी 6 बज गए हैं. गो बाय द लेक, और कहाँ जाओ, लेक पे जाओ यानी नहर पे. नाउ और यानी स्टैंड इन द सैंड, स्टैंड इन द सैंड और कहाँ पे, धरती पर या मिट्टी पे खड़े हो जाओ, ओके. द सन इज अप टूडे, आज सूरज निकल चुका है. एक बार फिर से रीड करेंगे ओनली इंग्लिश. वेक अप, इट इज 6,
गो बाय द लेक, गो बाय द लेक. नाउ स्टैंड इन द सन, द सन इज अप टुडे, द सन इज अप टुडे. ओके, आगे देखिए एक और पैराग्राफ दिया गया है. यहाँ लिखा गया है देन गो टू द स्टॉल, देन गो टू द स्टॉल. टेक अ प्लेट, टेक अ प्लेट. Call the man, call the man by his name, by his name. Say that you want a cake, you want a cake. देखिए यहाँ क्या कहा गया है, then go to the stall. अब कहाँ जाओ, stall पर जाओ, यानी छोटी दुकान पर. Take a plate, और क्या लो, एक plate लो. Call the man by his name, आदमी को बुलाओ उसके नाम से. स्टॉल पे एक होता है ना शॉपकीपर, उसको बुलाओ उसके नाम से. से दैट, उसे कहो यू वेंट अ केक, वो आपको क्या दे, एक केक दे. तो देखिए देन गो टू द स्टॉल, टेक अ प्लेट, कॉल द मैन बाय his name, say that you want a cake. Okay, तो हमने ये read कर लिया पूरा पेज, पेज नंबर 7. अब आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क आपको ये जो स्पेलिंग दी गई है all वाली, जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई है, ये सारी स्पेलिंग्स आपको कॉपी में नोट करनी है और इसे लर्न करना है. उसके अलावा जो आपकी बुक में लाइन्स लिखी गई है, पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको रीड करना है. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.